बाड़मेर जैसलमेर के भारतीय जनता पार्टी सांसद कर्नल सोनाराम के उत्तरलाई रोड स्थित मकान पर बार बार प्रतिपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आरोप स्पष्ट हैं कि कहीं न कहीं सांसद द्वारा उत्तरलाई रोड पर बनाए गए मकान में अनियमितता हुई है और नगर परिषद इस पूरे मामले में पूरी तरीके से लापरवाहियां दर्शा रही है। दरअसल बाड़मेर में बजट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करवाया गया। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद नरेश देव शाहरण ने हंगामा करते हुए अपने साथी पार्षदों के साथ नगर परिषद पर दोगली नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है अतिक्रमण बता बता कर, जबकि बड़े लोगों पर हाथ डालने में नगर परिषद को पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि नगर परिषद के द्वारा कर्नल सोनाराम चौधरी सांसद बाड़मेर जैसलमेर के आवास मुद्दे पर चुप्पी साधे नगर परिषद न जाने क्यों इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि गरीबों के आशियानों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि नगर परिषद के सभापति लूणकण बोथरा ने इस प्रकरण की जांच की बात कही है, वहीं आयुक्त ने इस पूरे मामले में अपनी ओर से सफाई देते हुए ये कहा है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, उनके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर इसकी जांच की गई है और इस जांच में पूरी तरीके से यहाँ सही तरीके से काम हुआ है और पट्टे में कोई अनियमितता है, निर्माण में कोई अनियमितता है नहीं हुई है, लेकिन अगर बोर्ड चाहता है तो इस मामले की जांच करने में भी उनको वापस कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखना यह है कि सांसद का आवास मुद्दा आखिर कब तक इसी तरीके से रह रहकर उठता रहेगा। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले दो दिन पहले मेरे वार्ड 19 में अतिक्रमण तोड़े गए जी। तो उसमें नगर परिषद ने ये बताया कि ये अतिक्रमण अवैध रूप से लोगों ने यहाँ बना रखे हैं, ये तोड़ना जायज है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नगर परिषद गरीब को ही क्यों मार रही है जी। अगर कुछ करना ही है नगर परिषद को, कुछ लोगों में मैसेज देना है, तो जैसे सांसद महोदय का सुनने में आ रहा है कि भाई अनुमति से मकान नहीं बनाया हुआ है या गली दबाई हुई छात्रावास की, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आयुक्त साहब? मेरा ये प्रश्न था उनसे। तो ये सर विधायक साहब के उनका वो आपसी पर्सनल मैटर, लेकिन मैंने तो ये कहा अगर मेरे वार्ड में जो आम लोग हैं उनके तोड़े जा रहे हैं, तो बड़े लोगों के अंदर आयुक्त साहब हो या भली सभापति हो या कोई और अधिकारी हो, हाथ क्यों नहीं डाल रहे हैं? बड़े आदमी से लोग क्यों डर रहे हैं? गरीब को ही क्यों सताया जा रहा है? मतलब गरीब को सताने का विरोध है जी? नहीं, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है। नहीं सर, नगर परिषद से पट्टों के ऊपर सवाल है। और नगर परिषद से है, मैं आयुक्त को आदेश दे दिया है कि इसकी पूरी जांच करके जो भी सही है अगर नहीं बनता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस बैठक के अंदर मुद्दा उठा था कि
वो मकान बना है वो कटान की भूमि पर बना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी जो फाइल है वो मैंने पूरी जांच की है, उसमें पूरी तहसीलदार से रिपोर्ट आई है, रेवेन्यू ऑफिसर्स की रिपोर्ट है कि उनका जो मकान बना हुआ है वो मकान कटान में नहीं है, कटान जो है वो उस उनके आगे से जो है वो जाती है, जो काफ़ी उनके मकान से दूर है। अगर फिर भी बोर्ड ने ऐसा कहा है, अगर किसी प्रकार का प्रकरण हमारे पास में आता है तो हम रेवेन्यू ऑफिसर से दोबारा जांच करने को तैयार है। हमारी जो प्राथमिक जांच हमने की है उसमें वो मकान कटान में नहीं है, उनको पट्टा दिया गया है, अभियान में उनको पट्टा दिया गया था, पट्टा लेकर जब पट्टा लिया था उस दौरान अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था, सरकार ने अभियान ये चलाया था कि जो कॉलोनियाँ हैं 1799 से पूर्व की जो कॉलोनियाँ हैं उनमें जो निर्मित भूखंड है उनका नियमन किया जाए, उसके तहत उनका रेगुलाइजेशन किया गया है, और अभी मेरे कार्यकाल में उसको पुनर्वैध किया गया। तो पुनर्वैध करने से पूर्व मैंने उनके सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट हैं और इवन कटान के संबंध में रेलवे की पीछे भूमि के संबंध में, भाई वो मकान है वो रेलवे की भूमि में तो नहीं है, खातेदारी लैंड में है किस में, तो सारी जांच करा के सभी पक्षों की, और उसके बाद हमने पट्टे का पुनर्वैध किया था। और फिर भी अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो दोबारा जांच हम कराने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे को ऐसा है नहीं कि इसमें कोई अनियमित हुई अनियमित हुई ठीक है।